उत्सव है आत्मविकास का, उत्सव है भागीदारी का, उत्सव है जीवन के लक्ष्य को समझने का, उत्सव है अपनी सीनियर से प्रेरणा प्राप्त करने का। वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, कदमों के निशान कभी नहीं खोते, उन्हें याद करके मुस्कुरा दें ये आंखें, वह लोग दूर होकर। हमारे सीनियर्स ने हमें इस बात का एहसास कराया है कि अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा से ज्यादा पूरा करने के लिए हमारी पढ़ाई और ज्ञान की प्राप्ति हमारा पहला लक्ष्य है। Anyway, Gopal Babu, you come and sit with me and clarify, you know, so that we can redo our incentives. Okay. Now, just being a terminology used by AKT, AICT is UFP3 being the open elective part, and AKT also UFP3 being open. I'm quite aware of these courses. Sir, I sir. I know that we are running. Yes, sir. I just wanted a parity and some kind of an equation with the earlier understanding of level 2 and level 3. And I had been given an opportunity to undergo a level 1 workshop in IIT Kanpur in the last of my second year. वहाँ से वो मुझे नेचुरल एक्सेप्टेंस का टूल मिला जो कि यूनिवर्सल, नेशनल और ऑल द लिविंग बींग्स पे आधारित है। उसने मुझे ये इस बात का एहसास कराया कि जो भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें हमारी सहजता महत्वपूर्ण रहती है, हम किसी के दबाव स्वभाव प्रभाव में आगे काम न करें। तो ये जो मुझे तीन धर्म थी उसमें दबाव और प्रभाव को मैंने उसको नकारते हुए स्वभाव में अपनाया, जो कि सारी चीज़ें मुझे मेरे म्यूचुअल कम्युनिकेशन और मेरे वार्तालाप और जो मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होते हैं, जो फैकल्टी से इंटरेक्शन होते हैं, उसमें पूर्णतः लक्ष्य भी होते हैं। तो मैं उस चीज को और भी एक्सप्लोर करते हुए मैं अपने आप को अंदर से विचारों की शक्ति को पहचानते हुए मुझे ये मौका मिला कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जाऊं। तो डीजी सर के प्लेजर की वजह से मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट जैम्बोरी में भी मुझे जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर अपना एज अ कीनोट स्पीकर मैंने स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर मैंने अपनी टॉक दी थी। तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो मुझे काफ़ी रिमार्क भी किया गया और उसी के साथ साथ मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड लिविंग जो है, जो मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो चीज़ है, वो मेरे भावों में परिलक्षित रहती है। तो मैं इस वैल्यू एजुकेशन सेल को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सभी फैकल्टी मेंबर पराठा सर, एचओडी सर और जितने भी टीम्स हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस चीज़ का मौका मिला और मैं अपने आत्मविश्वास को, अपनी खामियों को दूर करते हुए ये सारे जो भाव हैं, विचार हैं, वो मेरे क्रिएट्स में भी दिखे। एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल कि आई वॉज अवॉर्डेड अ सिल्वर मेडल इन AKTU फ्रॉम द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ यूपी श्रीमती आनंदी पटेल एंड रिसीविंग गोल्ड मेडल फ्रॉम TG सर। और मैं उसी चीज को अपने एक्सेलेंसी को मेंटेन करते हुए एंड तक में भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि मुझे फिर से इस चीज़ का मौका मिले। तो मैं अपने कर्मों से, अपनी चीज़ों से, हर काम में मैं अपने इस बात का ध्यान में रखता हूँ कि जो भी मेरे लेवल पे काम हो उसमें चारों लेवल की हार्मनी मेंटेन हो। तो उस चीज़ को मैं सहजता से स्वीकारते हुए अपने विचारों पे काम कर पा रहा हूँ और मैं ये आज भी देख पा रहा हूँ कि मैं जितनी बार वर्कशॉप करता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया कंटेंट ही सीखने को मिलता है। तो यही इस वर्कशॉप की और जीवन विद्या की खूबी है जो कि मुझे मेरे स्किल्स को, मेरे लर्निंग को और भी निखार रही है। सो एंड लेट मी शेयर वन थिंग, मुझे फर्स्ट ईयर से ही स्टैमिना की प्रॉब्लम थी जो कि बहुत थी और मैंने इस वर्कशॉप के कंटेंट में जब से मैंने परिलक्षित किया है, मैं वो चीज़ मेरी धीरे धीरे कम हो रही है। अब मैं अपनी बात को अच्छे से कह पाता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर से और जो लैक ऑफ फियर प्रेशर ही होता है तो उसकी वजह से मैं शब्दों को मैच नहीं कर पाता था। तो मैं जब मैंने लेवल 1 वर्कशॉप की थी तो उसमें से मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई गई थी, फिर उसको भी वो मैंने किया था
तो फिर वहाँ से जो पीयर प्रेशर था वो मेरा कम होता कम होता चला गया था, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें वो मैं उसको खिरम्य करते हुए अब शब्दों को सुमिलित करते हुए मैं अपनी बात कह पाता हूँ। तो ये मेरा टप सो एनी आउट वो रुक गया वहाँ पे। फिर जब उन्होंने एक दो दिन वर्कशॉप किया, जब रिलेशनशिप की बात हुई कि फैमिली में रिलेशनशिप हमारी क्या है इस स्टेज पे, तो उस समय एक जुबैर नाम का लड़का है जो बी फार्मा कर रहा है अथॉरिटी से, सो उसने वो बंदा लिटरली रो दिया था वहां पे। जब बाहर निकला तो बता रहा था मैं कि मेरे पापा से आज तक कभी 10 सेकंड से ज्यादा बात नहीं हुई है। वो बता है कॉलेज में रहूं या घर पे रहूं, 10 सेकंड से ज्यादा मैंने आज तक अपने पापा से बात नहीं किया है, मेरे घर वालों से इतना इंटरेक्शन नहीं है। उस दिन आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने जो 10 सेकंड बात करता है 1.5 घंटे बात किया था कॉल पे, और लिटरली मतलब आंसुओं में जाएगा। मतलब वो मैंने अब तक सबसे फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मतलब ये सेल का। ऐसे तो ग्रेजुअली जो हम जुड़े रहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आता ही रहता है। उसी इवेंट में जादव सर एक अपना एग्जांपल बता रहे थे कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना एक लेक्चर ले रहे थे, वर्कशॉप ले रहे थे, तो कार पार्किंग में बंदा उनके पास दौड़ के आता है और कहता है कि सर आपने जो बात कही थी कि ये आप सभी रिलेट कर सकते हैं कि मैं अपने पापा को एटीएम मशीन समझता हूँ। मतलब वो बता रहे थे कि ये हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब ऑलमोस्ट सभी जो स्टूडेंट है वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम अपने पापा से बात कब करते हैं। यहाँ हॉस्टल में रहता है तो कभी पैसा कम हुआ, हाँ पापा कैसे हो, ठीक है हालचाल, वो भी पूछेंगे तो हाँ ठीक है पापा, तो पैसे की जरूरत थी, पैसे खत्म हो गए ना, पैसे भेज देना। सो ये नहीं होना चाहिए हमें डेली बेसिस पे। अगर हम फैमिली वालों से रिलेट नहीं कर सकते, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते, तो हम आउटर वर्ल्ड में दूसरों कैसे। बाकी बाद में हमने मैं सेकेंड ईयर में एक स्टार्टअप गिफ्ट वाला स्टार्ट किया आइडियाला के अंडर में, डीजी सर ने काफी हमें सपोर्ट किया इस जर्नी में। उसने भी हमें मैं तो कहूँगा वीजेड एमबीए नहीं है बट इट शोज यू हाउ टू मैनेज योर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अपने क्लाइंट से कैसे बात करते हो, हाउ यू कन्विंस द कस्टमर्स। अभी रिसेंटली वीसेल के मतलब मैं तो वीसेल का हेल्प नहीं कहूंगा, बट ये शो करता है कि आप अपने वर्कर्स जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, कोई भी इस समय ऐसा स्टेज है कि आप फोर्सफुली आप किसी से काम नहीं करा सकते 2-3 लाख रुपए पर मंथ देकर, कंपेयर टू आप 60,050 रुपए दो और उनको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दो। जब फर्स्ट ईयर में आया था तो आई वाज नॉट टॉकेटिव, मैं हमेशा खुद में ही रहता था, और यू नो जब खुद में कोई रहता है तो फिर वो काफी खुद के अंदर काफी कुछ सोचता है, काफी ओवर थिंकिंग आती है। सो मुझे अभी भी याद है इंडक्शन सेरेमनी चल रही थी, यूज़ के क्लासेस चल रहे थे और गोपाल सर की पहली क्लास की, और यू नो इमोशंस के बारे में बातें हो रही थी एंड देयर वर सेवन इमोशंस, और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आई मीन इमोशन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और इमोशन को भी हम जानते हैं, मतलब लाइक ये इमोशन ऐसे हैं, ये इमोशन का ये मतलब होता है। हमें मतलब अब तक ग्रेटिट्यूड का भी आई डोंट नो, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मेरे पापा से उतनी नहीं बनती, तो मेरी उतनी नहीं बनती, तो मुझे आज तक लगता था कि मतलब क्यों इतना गुस्सा करते हैं, क्या ही हो गया छोटी छोटी बातों पे। तो फिर उस दिन जब मैंने वर्कशॉप करी, उस 7 से 14 दिन की करीब वर्कशॉप थी मैंने करी, और जब वो वर्कशॉप कंप्लीट हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी तो वही करता हूँ, मेरे भी वही इमोशन चलते हैं, मैं भी गुस्सा करता हूँ, यू नो अपने दोस्तों पे द पर्सन हूम आई केयर अबाउट, सो मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी तो यही करते हैं। और फिर उस दिन के बाद से मुझे उनके गुस्से पे प्यार दिखने लगा, और इतनी छोटी सी चीज से मेरे इतना बड़ा ग्रोथ हो गया, कुछ भी रुका नहीं है, बस मैं चलता जा रहा हूँ। मुझे भी याद है लॉकडाउन का टाइम था, मैं बी एन सर को कॉल किया करता था और वो आधे आधे घंटे 40-40 मिनट मेरे से बातें किया करते थे, और एक फैकल्टी जब एक स्टूडेंट से बातें करता है और यू नो हर हर टॉपिक पे कि आपके सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा बी से भी यही चीज़ें हो रही हैं, आप लोग भी आना, तो ये चीज़ें और होने वाली है, आप भी कुछ सजेशन ऐड करो, ये 30-40 मिनट की बातें होती थी हफ्ते में एक बार मैं कॉल किया करता था। आई मीन कैसे मतलब इतनी सिंपल कैसे हो सकती है लाइफ। तो ये जो जर्नी रही मेरी बी सर के साथ ये अनएक्सप्लेनेबल, और मैं एक चीज़ और मानने लगा कि लोग कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ बैठे बैठे, जो आदमी खुद के साथ बोर हो जा रहा है वो किसी और के साथ एंजॉय करेगा। तो ये चीज़ें तो, और हाँ एक चीज़ और अभी एक और किस्सा याद आ रहा है मुझे, सेकेंड ईयर का टाइम था, लाइक मेरे नए नए दोस्त थे, ब्रांच चेंज हो गई थी, कुछ नहीं था, और पूरे दिन मैं अकेले अकेले बैठा होता था,
और क्योंकि मैं 20 साल से जुड़ा हुआ तो मैं पूरे दिन दिमाग के अंदर देख रहा था क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है, और मैं पूरे दिन बोर ही नहीं हो पाता, अकेले बैठा हुआ, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्लास चल रही है, क्लास पे दिमाग खाली बैठा हूँ, दिमाग के अंदर थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, खुद को इतना जान लिया मैंने उस जब से दोस्त नहीं बने थे। तो अब मुझे लगता है कि यार अकेले हो या किसी के साथ हो वो उसी लेवल का पीस महसूस होता है और ये बढ़ रहा है। पहली बार ऐसा था कि गोपाल सर से मिलने के बाद सारी चीजें बदलने लगी धीरे धीरे करके और हम लोग धीरे और कनेक्ट होने की कोशिश करने लगे। तब हमें जाके पता चला कि वी सेल नाम की एक भी सोसाइटी है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, और वी सेल से कनेक्ट होने के बाद सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा अपनी लाइफ में वो था कि कंसंट्रेशन पावर, कि मतलब मैं जहाँ भी जिस चीज में भी जिस काम में भी अपना मन अपना फोकस लगा रहा हूँ वहाँ मैं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ अपने आप को। पहले ये होता था कि एक काम करते थे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, परफेक्ट माइंड था, एक साथ थाउजेंड्स ऑफ चीजें चलती रहती थी। अब ये हो गया कि अगर मैं एक काम के करने की कोशिश करता हूँ तो मैं पूरा फोकस लगाता हूँ, फुली फोकस इन नेटवर्क। सो और फिर हम धीरे धीरे जाके वी से में जब जुड़े तो हमारी टीम बनी, हम 10-15 लोग थे, हम उसमें काम करते थे, तो उससे मुझे लीडरशिप स्किल डेवलप हुई मेरी। कैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, तो वो मतलब एक काइंड ऑफ अचीवमेंट था हम लोग के लिए कि हम नए आए थे कॉलेज में और बिल्कुल हम लोग एकदम फ्रेशर थे काइंड ऑफ। हमने एक बड़ा बहुत बड़ा अच्छा सा एक इवेंट करा दिया था वसुधा, तो दैट इवेंट वॉज वेरी गुड फॉर अस एंड वी डेवलप अ वेरी गुड स्किल इन दैट इवेंट, लीडरशिप क्वालिटी, मेंबरशिप क्वालिटी, एवरीथिंग व्हाट वी डेवलप। आल्सो वांट टू ऐड दैट कि मैंने अपनी फैमिली में भी चेंज पाया। पहले ऐसा था कि छोटी छोटी बात पे एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता था कि कोई बोला कुछ तो मैं एकदम कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा या फिर समथिंग लाइक दैट, और जब मैं इससे कनेक्ट हुआ तो मैं धीरे धीरे समझने लगा कि कैसे अपने आप को मतलब मेंटली पीस में रखना है। जैसे एक सर की एक बात मुझे याद आती है कि अगर मुझे अपने आप को समझना है तो दूसरे को विजन को लेकर चलना पड़ेगा कि सामने वाला कभी तुम्हारा गलत नहीं चाहेगा। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये सोचेगा कि मैं तुम्हें देखूंगा और गलत कर दूंगा तुम्हारे साथ, तो अगर वो तुम्हारा गलत नहीं चाह रहा है तो तुम भी उसका अच्छा ही चाहो। तो काइंड ऑफ दैट कि अगर सामने वाला तुम्हारा तुम ये सोचो कि सामने वाला भी अच्छा ही चाहेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा ही करेंगे, तो कभी गलत एक वो फीलिंग अभी आई नहीं कि मतलब हुआ ये मुझे डिसअपॉइंट कर देगा या फिर ये मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसके थॉट्स कैसे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड मूविंग फॉरवर्ड आई लर्न सो मेनी स्किल्स फ्रॉम वी सेल एंड वन थिंग आई वांट टू से दैट कि हमने एक यहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, तो आई वॉज वन ऑफ द वॉलंटियर स्टूडेंट वॉलंटियर इन दैट, सो आई लर्न मेनी स्किल्स, आई मेट सो मेनी फैकल्टी मेम्बर्स फ्रॉम ऑल ओवर दिस इंडिया। तो उसमें मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है, एक फैकल्टी थे मुझे उनका नाम नहीं आ रहा अभी, तो उन्होंने अपने एक लाइफ के बारे में बताया था कि उनका एकदम उनके शादी थोड़ी सही नहीं चल रही थी, तो उनका बिल्कुल एकदम डाइवोर्स होने वाला था। तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे मतलब जब मैं पहली बार वर्कशॉप किया मैंने तो मेरा माइंड कैसे एकदम बिल्कुल पीसफुली काम फुली हो गया, और देन मतलब वो अपनी वाइफ के पास गए, उन्होंने सारी चीजें इतनी सही कर ली कि उनकी मतलब अब जर्नी वो 10 साल हो चुका था उस बात को उनको, और वो एकदम हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब ये सही चीज़ है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं आगे जाऊँगा लेके, तो दैट वॉज वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद हम लोगों को इसे प्लेसमेंट स्किल्स में भी काफ़ी मदद मिली, जैसे प्लेसमेंट में गए तो इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, और एट द एंड हम लोग जब बोलते थे कि हम लोग बी सेल के हैं मतलब वैल्यू एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्वेश्चन रहता था कि मतलब तुमने क्या सीखा, क्या इंप्लीमेंट किया, कैसे मतलब किया, ये सारी चीज़ें तुमने कैसे कनेक्ट किया अपने आप को। बाकी लोग तो क्योंकि 10 में से 2 या 3 बच्चे रहते थे ह्यूमन वैल्यूज के, बाकी तो किसी का कोई कनेक्ट नहीं रहता था उसमें, तो मैं उनको बताता था कि हम लोग का जो ये कनेक्ट बना है कैसे किस तरीके से हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं उसको। तो और हर एक कंपनी का मतलब पहला प्रोसेस ये होता था कि जाते ही सबसे पहले एक ह्यूमन वैल्यू का सेशन होता है, बस वो अलग नाम से होता है, तो हम लोग को उसमें मतलब मजा आता था पहले से ही। तो हम लोग को मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो पता चला कि एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें एक ह्यूमन वैल्यूज का भी सेशन होता है, तो गोपाल सर ने जब स्टार्ट किया ह्यूमन वैल्यूज तो बच्चों को लगा कि काफी बोरिंग सा होगा, क्लास में मजे लेते थे, फालतू क्वेश्चन स्टार्ट होते थे, लेकिन मुझे जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा। जब वो चीजें माइन्यूटली आप एनालाइज करते हो तो काफी चीजें समझ आती हैं आपको। फिर उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, फिर सर ने इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग इवनिंग वर्कशॉप ही स्टार्ट करने वाले हैं, 7 डेज वर्कशॉप, वो भी मैंने अटेंड की। फिर वहां पे हम लोग को मतलब चीजों की असली मीनिंग्स पता चली, जैसे ग्रेटिट्यूड हो गया और लव हो गया, रिस्पेक्ट होगी, तो बस लोगों को पता है कि हाँ ये वर्ड्स होते हैं लेकिन उन्हें असली मीनिंग नहीं पता होती कि क्या मतलब है उसका। तो जब वहां पे हम लोग गए समझी चीजें तो फिर हम रियल वर्ल्ड में भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सामने वाला कोई चीज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है।
फिर उसके बाद हम लोग का सेकंड ईयर में सब्जेक्ट भी था ह्यूमन वैल्यू, जो बी एन पांडे सर ने लिया था, उसमें भी काफी चीजें हम लोग को सीखने मिली। उससे क्या होता था, फिर जब लोग बातें करते थे तो हम एनालाइज कर सकते थे कि वो बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। लोग गुस्सा कर रहे हैं तो सामने वाले को गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए उस टाइम। फिर कोविड आ गया था, तो कोविड में सर ने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप किया था कि फैमिलीज के लिए वर्कशॉप स्टार्ट की थी, जिससे कि हमने फैमिली को वो वर्कशॉप अटेंड करवाई, तो जो चीज हम फील कर सकते थे तो जो फैमिली मेंबर्स थे, पापा मम्मी और जो भी भाई बहन था, उनको भी चीजें समझ आई कि ह्यूमन वैल्यूज का असली मतलब क्या होता है। तो इट वॉज अ वैल्यूएबल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी और काफी चीजें। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर सर का कि उन्होंने ऐसी संस्था हमारे कॉलेज में बनाई है, जिसके लिए मतलब हम सारे शुक्रगुजार हैं। हमको एक जीवन जीने का एक दृष्टिकोण मिल पा रहा है इससे। और जैसा कि सभी ने बताया कि वर्कशॉप होती है हमारे यहाँ और हम फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करवाते हैं वर्कशॉप में, तो दरअसल होता क्या है कि ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियाँ सबके चल रही होती हैं, तो उनको एनालाइज करना, उनकी एक बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाल पाना, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। लेकिन सर ने वर्कशॉप कराई, काफ़ी गाइड करा लोगों को और अभी भी करते जा रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है यहाँ पर हमें, जहाँ से हम सीख पा रहे हैं चीज़ों को और अपनी जो समस्याएँ हैं उनका बहुत ही बारीकी से हल निकाल पा रहे हैं। अपने खुद को एनालिसिस करने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की जो शक्ति है वो हमें ये वैल्यू एजुकेशन से प्रोवाइड करता है, जो कि एक हार्मोनी को जनरेट करता है हमारी सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में, एक पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री में, एक पूरे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप कि वैल्यू एजुकेशन से एक रिवोल्यूशन है जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। उसको फैलने की आवश्यकता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश को एक प्रगतिशील देश बनाने में, जो वैचारिक रूप। माय जर्नी इन बी सेल स्टार्टेड फ्रॉम माय सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज। व्हेन गोपाल सर टुक फर्स्ट 5 days वर्कशॉप इन द कॉलेज, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन बी सेल 5 days वर्कशॉप, माय फ्रेंड्स टोल्ड मी व्हाट इज द यूज ऑफ जॉइनिंग इट, बट आई थॉट केम फ्रॉम इनसाइड टू जॉइन। आई जस्ट जॉइन एंड ईगरली लिसन एवरीथिंग फ्रॉम सर एंड नाउ आई फील आई कुड राइट सर टॉट ऑन मेनी टॉपिक्स लाइक ट्रस्ट, self-esteem, ego, gratitude, forgiveness, etc. Anger, jealousy, greed are some of the major negatives of the person. And after connecting with BE Cell and almost 3 years after college, I am able to work a lot on jealousy and anger. Observing self is one of the toughest tasks I felt, but as time passed and attaining continuous knowledge regarding it, I am able to improve from what the learning I had when I left the college. Gopal sir during his session told a lot on daily contradictions. He always shared to give break of 5 to 6 seconds before taking any action. I have not taken this as a theory, rather I implemented it practically and able to do it for maximum number of my cases. Sir at all his sessions trained the students to face the outer world with the right attitude and values. I personally able to improve my behavior with others, able to handle every situation with maturity and right. Hostel गए थे तो वहाँ से 40 बच्चों को collect किया था workshop के लिए, तो शुरू में तो हमारे प्रेशर में बच्चे बैठ गए, लेकिन next day केवल 5 बच्चे बचे हैं। उसमें से ये एक बच्चा था जो फिर next सारे years अपने हमसे connect रहा, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे value education का seed है जिसने इतने सारे बच्चों को बचाया। B-cell journey started with USPB began in the first year of my college. When I came to know about the 5-day workshop, which was the understanding science of relationships through self-exploration, which was taken by our Gopal Babu sir, I along with some of my friends registered just for the sake of the certificates and experiencing something new. As we were in the college for the first time, so we thought that by gaining some experiences and certificates, this would help in our journey in the college. So we joined this workshop. The workshop laid stress on developing the self of a person by evaluating his thoughts and the working on them. I liked these points very much as these were
very explained very clearly by giving the practical examples by Gopal Babu sir, which were related to our daily life problems. I started working on these also. On first and second day, we felt boring and we were not listening much. Then from the third day onwards, when Gopal Babu sir started asking life problems from our from the people and the other persons attending the workshop, so we started linking to them with our also. As the workshop progressed, I found that this is very interesting and it relates to all the daily life problems. So why not to attend it seriously? So we started attending it seriously and found it very beneficial. Then to explore more, I along with my some of my friends got the opportunity to attend the 8 days workshop at IIT Kanpur. This was one of the best experiences as I came to know about the USVP course with very deep knowledge about the human being and his behavior in various circumstances. I learned about the various feelings and thoughts, where they do occur, and we need to work on our thoughts before taking any action. I also started implementing the learnings from the developments in my life, which helped in many places. And I one example I would like to give that earlier, I used to quickly respond on the circumstances. But after being attending the workshop, I was already being patient and I take upon the things and started analyzing them properly without taking any action. Then after coming back from the workshop from IIT Kanpur, we got the privilege to meet the DG sir, Dr. R.K. Agarwal sir, our professor V.K. Parashar sir, who were very much impressed by our understanding. And they have encouraged us to spread our knowledge gained in the college also. Consequently, under the guidance of Gopal sir, being our co-coordinator Value Education Cell, we got inaugurated the V-Cell as a society in our college, along with my 2 to 3 colleagues who also visited IIT Kanpur, including Arun and Akshay. Initially, we started to spread the information in the college by the mails and notice board. And we have organized also many 5 days workshops successfully with the help of Gopal Babu sir. Later in the summer vacations, I again got the opportunity to attend the first national conference on USVP at Tech IP AKTU Lucknow, where we represented our college as the V-Cell team, and we got to learn about the other colleges also associated their working and how they are promoting V-Cell and the human values at their college also. So we thought to do something like this also in our college also. So we, after coming back, we discussed that with the Gopal sir, and we have laid down the different courses, workshops, webinars, seminars, etc. for all the juniors. And due to our successful accreditation, our AKTEC college also was made the nodal center at the same year for the V-Cell activities, and we got the opportunity to conduct various events and workshops. With a large number of student volunteers we have joined towards society and self, we got to lead the 2 different health club and nature club also, and started promoting the activities throughout the colleges, where we have we organized various events of Jal Divas, World Health Day, World Earth Day, etc. And by coming till third year, we have seen that the students started engaging with us also. And they have also found a lot of changes like us also in their development. And so, मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी शेयरिंग हुई है, हम लोगों ने जब से ये बच्चे गए हैं, इस बारे में हमने कोई बात नहीं की थी कि आपको शेयरिंग करनी है. पिछले 2 दिन में हम लोगों ने इनको बताया था कि तुम लोगों को शेयरिंग करनी है, एंड देवर ऑल हैप्पी. अभी 2-3 स्टूडेंट्स कहीं जाम में फंस गए, आ नहीं पा रहे. तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर लोगों ने अपना राइटअप तैयार किया है, और एक छोटी शेयरिंग मैं करना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने 2017 में ये सेल स्टार्ट किया था और वी सेल के उन्होंने टी शर्ट्स बनवाई थी, तो उस बैच के ये अक्षत थे, अरुण थे. तो जब ये टी शर्ट पहनते थे तो लोग लैकुलिंग करते थे, अच्छा वैल्यू एजुकेशन वाले लोग आ गए, ये लोग गुस्सा नहीं करेंगे, उनको परेशान करने की कोशिश करते थे. लेकिन आज की डेट में इन लोग के कंडक्ट से एज ए काउंसलर ये लोग वर्क करते हैं, तो आज वैल्यू एजुकेशन का टी शर्ट जब लोग पहनते हैं तो लोग काफ़ी प्राउड फील करते हैं. तो ये मुझे अचीवमेंट.
और अभी कोविड पीरियड में मैंने एक एलुमनाइज का वर्कशॉप लिया था। दो कॉमन प्रॉब्लम थी जिसको बच्चे अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। एक प्रॉब्लम थी कि वो जॉब और घर में बैलेंस नहीं बना पा रहे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि उनको इंटरनल फियर रहता है कहीं जॉब ना चली जाए, क्योंकि कोविड का टाइम वैसे भी काफी डिप्रेसिव है। तो इन दो टॉपिक पर भी हम लोग ने करीब 7 to 8 days वर्कशॉप चलाया था, ऑनलाइन वर्कशॉप। और बच्चों से मैंने पूछा कि जब तुम्हारी कंपनी में जब तुम इंटरव्यू देने गए थे तो इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा होगा कि अगले 10 साल में तुम अपने को कहां देखना चाहते हो, तो तुम लोगों ने क्या जवाब दिया? तो काफी बच्चों ने कहा कि हमने ये जवाब दिया कि 10 साल बाद हम अपनी को इस पोजीशन पर पहुंचाना चाहते हैं, हम इस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने बच्चों से कहा कि 10 साल पहले तुम्हारे विजडम में ये बात नहीं थी कि मैं रिलेशन और जॉब दोनों को बैलेंस बना के चलना है, इसलिए तुम आज बैलेंस नहीं बना पा रहे। तुमने 10 साल पहले जिस चीज को सोचा वो तुमको मिल गया, अच्छा सैलरी पैकेज मिल गया, फॉरेन चले गए, अब्रॉड सेट हो गए हो, लेकिन फैमिली पीछे छोड़ दी है। कम से कम अगले 10 साल का विजन अब बनाओ कि जॉब और फैमिली बैलेंस बना के चलेंगे। फिर फैमिली में बैलेंस बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम तुम्हें प्रोसेस देंगे। तो ये बात सुन के काफी बच्चों को अच्छा लगा, ये बात तो सर हमने कभी सोची नहीं, इसलिए सबको किसी ने बताया नहीं। दूसरा प्रॉब्लम उनको जॉब सिक्योरिटी का रहता था। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताओ क्या भारत के प्रधानमंत्री की भी जॉब सिक्योर है? तुमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए या इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए? बार बार परिस्थितियां चेंज होंगी, जॉब कभी होगी कभी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इंटरनली सिक्योर हूं तो मैं हर जगह बैलेंस बना सकता हूं। तो ये बात भी बच्चों को काफी अपील की और इन्हीं दो टॉपिक पर हम लोग ने फिर वर्कशॉप को कंडक्ट किया। तो ये मेरी छोटी शेयर है। डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2012 में उन्होंने मुझे वर्कशॉप के लिए भेजा एज ए कंप्यूटर साइंस फैकल्टी मेंबर। आप समझ सकते हैं एक एजुकेशन था कि ह्यूमन वैल्यू की वर्कशॉप करके जाएंगे, वो चीज़ मेरे अंदर भी चल रही थी। लेकिन जब गणेश बागैया सर ने वो 8 डे की वर्कशॉप मुझे कराई, दैट इज अ चेंज फॉर माई माइंड। आई अंडरस्टैंड कि कंटेंट कुछ ऐसा है जो सीखना बहुत जरूरी है, और जो लाइफ का एम है वो ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो कुछ और है। अपनी आप में समझ पे काम करना बहुत जरूरी है। पर दो चीज़ें मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट पता चली उसमें, कि जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो तो खाली सदुपयोग के लिए, उसको आप उसके पीछे नहीं भाग सकते हैं। और दो नई चीज़ें पता चली कि रिलेशनशिप उसके ऊपर होता है, और उसके ऊपर तो सही समझ होती है, जब तक सही समझ नहीं होगी तो रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं हो सकते, और ना ही आपका मटेरियल वर्ल्ड जो आपके पास फिजिकल चीजें हैं उसका आप सदुपयोग कर पाएंगे। उसके बाद आने होगा एक मेजर एक्सपीरियंस मैंने अपने सर्जरी के दौरान देखा। उस टाइम ये ह्यूमन वैल्यू का टॉपिक ही था, कंटेंट था कि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाया, और उसमें एक लर्निंग थी कि सेल्फ एंड बॉडी अलग है। वो चीज़ मेरे माइंड में हमेशा माइंड करता था कि नहीं, सेल्फ अलग है बॉडी अलग है, जो प्रॉब्लम है बॉडी में हुई है, सेल्फ में कुछ नहीं है। और वो काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था सर। जब एज ए फादर की तरह जब आप घर में होते हैं तो नो डाउट जब बच्चों पे बात करते हैं तो ईगो आ ही जाता है, मैं बड़ा हूँ और ये जो है मैंने इसको डांटा है, इसको तो खुद ही आना चाहिए, खुद ही काम करना चाहिए। When I gone through the content, हमने ये तो बाई डायरेक्शन है, वो क्यों आएंगे, दे आर चाइल्ड, आई शुड डू है। तो ये चीज़ मैंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, खासकर मोबाइल को लेके एक्सपेरिमेंट किया। बच्चे मोबाइल में अटैच थे, मैंने उनको मोबाइल छीना नहीं, मैंने उनको बताया कि बेटा मोबाइल का यूज़ क्या है। धीरे धीरे जो मेरी बड़ी बेटी थी उसने इस चीज़ को अडॉप्ट किया और जो है अपने आप को चेंज किया, और पूरा कंटेंट उसका पढ़ाई में लग गया। तो और मेरी वाइफ ने भी काफ़ी उस पर कंटेंट पर काम किया, तो आज वो पढ़ के जो है IIT BHU में पहुँच गई है और कंप्यूटर साइंस काफ़ी उसने अपने आप को लर्न किया। फिर मैं छोटी बेटी पे भी काम किया, तो व्हाट आई लर्न कि जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। हम उन पर गुस्सा करते हैं, हम उन पर इरिटेट होते हैं, हम उनके अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन फॉर द मोमेंट वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि ये कंटेंट उनके पास नहीं है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें समझते हैं कि ये अपने आप सब समझ जाएंगे, ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आई शुड गो अहेड। कई बार मेरे साथ भी ऐसे केसेस हुए तो मैं खुद आगे बढ़ा, बच्चे से बात करी, और देन आई रियलाइज दैट कि
दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप मेरे पास आइए, मेरे से बात करिए। बच्चे खुद चाहते, इवन तो छोटी बच्ची भी है, आप उसको भी अगर डांटते तो वो चाहते कि थोड़ी देर बाद मम्मी पापा मेरे पास आएंगे और मेरे से बात करेंगे। तो वो चीज मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने इतने लाइफ में बिजी हो गए हैं और अपने टारगेट में इतना बिजी हो गए हैं कि उस चीज को हम ध्यान नहीं दे पाते और हमें लगता है कि चीजें अपने आप स्मूथ जा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने ये देखा कि जब मैं स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाती थी तो वैसे तो रिलेशन मेंटेन रहता था, बट कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती थी कुछ बच्चों के लिए कि ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, मतलब ये आ गए हैं क्लास में बट इनका कोई बहुत रुझान नहीं है पढ़ाई में, तो बहुत कभी मन में विरोध भी बनता था। तो उससे मैंने बहुत मेरा जब ध्यान गया इन बातों पे कि बच्चा जब कॉलेज आया है तो वो पढ़ने ही आया है, पढ़ना ही चाहता है, तो वो विरोध जनरेट नहीं होता क्लास में कभी भी। अब मतलब एक मोमेंट्री भी कभी किसी बच्चे के लिए नहीं आता, चाहे वो फेल भी हो रहा है, कि ये पढ़ना चाहता नहीं है। मुझे अपने ही प्रोग्राम में, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज करने का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है और मैं उसको देख पाती हूँ कि मुझे उस बच्चे के लिए क्या स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाना है। और इसकी मुझे उपलब्धि हुई है, जैसे अभी रिसेंट बैच का एग्जाम्पल भी, तो एक बच्चा है वो अभी एक बैच आई है उसकी फर्स्ट ईयर में, आयुष गुप्ता नाम है उसका, मेरे सेक्शन में, मैं सेक्शन चार्ज हूँ। तो जब मैंने उसके फादर से बात की तो वो काफी परेशान थे क्योंकि बच्चा ठीक था 12th तक। तो मैंने उससे पर्सनली बुलाया और बात की, तो उसने बताया कि रिसेंटली कोविड में उसकी मदर एक्सपायर हो गई है, तो उसको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है जब माँ नहीं है। तो इस बात को मैंने फील किया और उससे काफी बात की और मैंने उसे कहा कि तुम्हें जब भी ऐसा लगे तो मैं कैंपस में ही रहती हूँ, तुम कभी भी आ सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे किसी भी वजह से अगर पर्सनली परेशान रहते हैं, तो क्योंकि मैं कैंपस में रहती हूँ तो इसका बेनिफिट है कि मैं उन बच्चों को घर में भी इन्वाइट करती हूँ और बच्चे आ जाते हैं अपनी पर्सनल शेयरिंग लेके। डिपार्टमेंट की तरफ से भी अगर कोई काम मुझे अब मिलता है जो मुझे लगता है कि शायद अभी मेरे पर बर्डन है, पहले लगता लेकिन अब वो मुझे बर्डन तो नहीं लगता है। हाँ, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत चेंजेस करने में अपने को सक्षम पाती हूँ और कॉलेज के बाद भी अगर मुझे टाइम देना है तो मैं उसको उसमें, मतलब मेरे अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट पे, तो मेरे दो बच्चे हैं, बेटी 12 साल की और बेटा 7 साल का है। जब बेटी छोटी थी तो मैंने इस वर्कशॉप को अटेंड करना शुरू किया था और शायद अगर इन वर्कशॉप्स को ना किया होता, जीवन के बारे में इतना गंभीरता से ना समझा होता, तो मैं एक स्ट्रिक्ट मदर के रूप में बच्चों को पाल रही होती क्योंकि मेरी ऐसी प्री कंडीशन नहीं थी। लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि बच्चों के साथ जब हम कंफर्टेबिलिटी के साथ बात को रखते हैं तो वो आपके सहयोगी बनते हैं, मतलब हम उनके सहयोगी नहीं लेकिन वो मेरे सहयोगी बन रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये हो पा रहा है कि मैं 8 days की वर्कशॉप ले पा रही हूँ और शाम को भी अगर कोई वर्कशॉप मिल रही है तो उसको भी कंडक्ट कर पा रही हूँ। अभी ऑनलाइन मोड में मैंने जितने भी लेक्चर्स किए तो मेरे बच्चे इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो रूम बंद कर देते हैं और मतलब ध्यान रखते हैं इस बात का कि उनकी आवाज़ रूम तक ना जाए, तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं था कोविड में इतने वर्कशॉप। सो इसमें कह दें कि दबाव प्रभाव स्वभाव, बट इट वॉज दबाव जहाँ से स्वभाव की जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मुझे लगा कि सुना तो बहुत कुछ है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करते हैं। गोपाल सर को हमने देखा था, गोपाल सर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म होने में ही देखे हमने, गोपाल सर पहले कैसे थे हमें नहीं पता, बट इफ वी सी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन तो डी एन पाले सर थे जिन्हें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी, क्योंकि बिफोर दैट वर्कशॉप वी यूज टू प्ले टूगेदर, तो थोड़ा सा एग्रेसिव सर का नेचर था, बट आफ्टर गोइंग थ्रू दीज कंटेंट्स आई सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन and that motivated me to attend that workshop which was held in 2019 KEC Ghaziabad with a positive mindset. मैं negative mindset के साथ देखा कि मुझे 8 दिन काटने हैं, तो मैं zero होके neutral होके गया and in that workshop बार बार मेरी ध्यान उस चीज पे जा रहा था कि यहाँ पे दबाव से भेजा गया हमें, तो और उसमें भी मैं बार बार कह रहा था कि PhD जो कर रहे हैं कि ये भी तो दबाव ही है, मतलब ACT ने बना दिया, करना तो चाहता नहीं हूँ, तो उसका आंसर मुझे वहाँ से नहीं मिला था। बट इन दोज 8 days बहुत चीज़ों पे ध्यान गया, अपने ऊपर, फैमिली, जो भी कंटेंट है उस चीज़ पे ध्यान गया। एंड देन वहाँ से आने के बाद मैंने गोपाल सर से बात की, तो मैंने सर को बोला कि सर PhD ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू बी इन दिस वैल्यू एजुकेशन थी। तब सर ने एक बात कही थी कि अभी आप जो कर रहे हो कि वैल्यू एजुकेशन में आना चाह रहे हो, पीपल माइट टेक इट एज कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो इधर आ जाओ। एंड सर मोटिवेटेड मी कि अगर PhD हो जाती है देन यू विल गेट प्रमोटेड,
एंड एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ आप एक जब सर्टेन लेवल पे जाती जब वैल्यू एजुकेशन की बात करेंगे दैट विल एड मोर वेट टू योर कंटेंट. सो दिस गेव मी मोटिवेशन एंड आई हैड टुक एडमिशन पीएचडी 2016 एंड 2019 टिल द टाइम ऑफ वर्कशॉप आई हैड जीरो पब्लिकेशन. दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव अप द पीएचडी. बट इन जून 2019 आई अटेंडेड दिस वर्कशॉप एंड इन October 2021, in 2 years span, I completed my PhD with 7 SCI index papers and 2 Scopus index papers. Just because I came to know that एक चीज वहाँ पे समझ में आई कि बार बार उसमें जिक्र हो रहा था कि generally people are doing समस्या की चर्चा which I was also part of. And then फिर ये बात समझ में आई कि समस्या की चर्चा से कुछ नहीं होगा, समाधान की समझ होनी जरूरी है. फिर समाधान के समझ के ऊपर काम किया तो फिर समझ में आया कि समाधान की समझ के साथ समाधान के लिए प्रयास. तो ये तीन चीज की जब समझ में आई एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग ऑन द लेटर टू. ये नहीं सोचा कि पीएचडी नहीं कर रही वो एक प्रॉब्लम है बट उसको पैसे उससे बाहर आना है तो आई वाज कंसीडरिंग पीएचडी इज अ प्रॉब्लम. तो उससे बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिली मुझे वही वैल्यू एजुकेशन सर्विस कंटेंट्स के. एंड एज फार एज माई लर्निंग्स आर कंसर्न जितने भी मेरा एक्सपेंशन है फाइनली कॉलेज तो उन सब लेवल्स पे मैं आई कैन सी दिस दोज इम्प्रूवमेंट्स. इट्स नॉट लाइक दैट कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया और सब कुछ अच्छा ही हो गया लेकिन कुछ गलत होता है तो पता लग जाता है. और एंड आई डू नॉट फील हेजिटेट टू से सॉरी नाउ. पहले ऐसा लगता था कि मेरी गलती नहीं है मैं क्यों सॉरी हूँ. बट इन बिटवीन दोज आफ्टर अटेंडिंग दैट वर्कशॉप आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड सेशंस ऑन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन इन कॉलेज इटसेल्फ व्हिच दोज सेशंस वर आल्सो टेकन बाय गोपाल सर. तो उन सेशंस के थ्रू मुझे बहुत क्लैरिटी मिली दैट वैल्यू एजुकेशन कंटेंट प्लस दैट एनवीसी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कंटेंट उनके थ्रू जो मेरे रिलेशन है इन माय फैमिली विद माय स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ द वर्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन विच इज अकेडमिकली वर्स्ट इन द क्लास द बेस्ट रिलेशनशिप आई हैड विद दोज स्टूडेंट्स बिकॉज दोज स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद मी विदाउट एनी हिच. कोई भी कुछ भी बात कर सकता है मेरे से. That give me, that made me connect in a much better with the students, and that same thing applied to the my peers, my faculty, and my friends in the faculty, and at the administration level with the head of the department, I had very smooth relation. Initially, before that those workshops, I had ups and downs. I thought that me and head of the department were on the opposite page, but since that workshop, there has not been even a single incident. जहाँ हमें ऐसे जब मुझे ऐसा लगा कि हमारे विचार मैच नहीं करते. वी बोथ आर ऑन द सेम पेज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ बेटरमेंट ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर एंड वर्कशॉप इज वेरी गुड एंड द कंटेंट्स आर वेरी क्रिस्प क्लियर अबाउट द लाइफ हाउ वी कैन लिव हैप्पी लाइफ एक्चुअली. सो आई वांट टू शेयर सम our own experience in the life after workshop as we husband and wife were both busy in our careers. We are having small kid that time. So my husband I am working here in AKGC and my husband was working in industry. He was temporary hand there. So his work routine was very busy. He was having touring 10-20 days in a month. So health-wise, it was an issue, and otherwise also, after the mock kids and all, so we are facing issue. So we discussed this matter at home, कि वे क्या किया जाए, कैसे करें आगे. तो I was ready to quit my job, ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, कोई issue नहीं है. फिर और discussion की है, तो फिर ये कि my husband quit his job from that good position, and my family was not agree. For that कि नहीं नहीं ऐसे कैसे मतलब कैसे because we were belong to the service class family so business was not top of tea. So he started with a very small scale business. So पहले था कि भाई पियन आ रहा है और फ्रूट्स भी काट के दे रहा है एंड देन सडनली ऑफिस जाके अपने ऑफिस की क्लीनिंग भी खुद करनी पड़ रही है तो बहुत करेज चाहिए इस चीज के लिए. बट द सपोर्ट ऑफ मी एंड किड्स उन्होंने शुरू किया एंड नाउ ही इज डूइंग गुड इन हिज बिजनेस. एंड कोरोना टाइम भी आया बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए एंड टू कंप्लीट माय पीएचडी आई
also take a break of the college and after that I have completed my PhD. तो यहाँ कहीं ना कहीं कंटेंट सी थे जिन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया इस तरीके से अपना लाइफ में इतना बिग चेंज लाने के लिए. एंड द कमिटमेंट वी हैव स्टार्टेड यस आई फॉरगेट दैट माय हस्बैंड हैज स्टार्टेड विद द कमिटमेंट कि मैं टाइम पर घर आऊँगा. एंड आई वाज कन्विंस कि यार कैसे ऐसा नहीं हो सकता है ना, भी बिजनेस है, टाइम मानता है और ये आदमी तो जुनूनी है, ये तो पता नहीं. मैं अपने सारे कंटेंट उनके साथ बहुत बहुत शेयर किया करती थी कि नहीं ये थोड़ी लर्निंग इनमें भी हो जाए कैसे. तो दैट वे ही कंटिन्यू हिज कमिटमेंट. समटाइम्स जब मैं कॉलेज से घर पहुंचती हूँ ही ओपन द डोर एंड समटाइम ही कम ज्यादा से ज्यादा लेट 6:30 दैट्स ऑल. एंड ही इज डूइंग गुड टर्न ओवर बिजनेस विद दीज कंटेंट्स. गोपाल सर ने नहीं पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये लर्न किया एंड ही नोज एवरीवन इन ह्यूमन वैल्यू. एक छोटी सी बात की, मेरे जो इन लॉज है ना काफी उम्र होगी तो ओल्ड हो गए हैं, तो कई बार आपस में एकदम बहस हो जाती है. मेरे बच्चों ने वो बहस देखी नहीं है. वी हैव कूल डिस्कशंस रादर देन हॉट आर्ग्यूमेंट्स एट माय होम. तो एक बार मैंने अपनी मतलब मगन लोग को बोला कि मम्मा आप मतलब इस लाइफ के इस फेज में आके कैसे आप मतलब वो आर्ग्यूमेंट करते हो. बोलते अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, हमारी एज में आओगे तब समझ आएगी. नाउ वी हैड स्पेंडेड 22 इयर्स टुगेदर एंड वी आर नॉट हैविंग सच आर्ग्यूमेंट्स. तो अभी कभी बात होती है कि मम्मा अभी बताएं, वो तो नहीं हम आपके जैसे नहीं हो सकते, तेरा हस्बैंड तेरी सारी बात मानता है. उसी तरीके से मुझे रिप्लाई करती है, बट मैं सारा क्रेडिट जो है वो ये ह्यूमन वैल्यू कंटेंट्स को देती हूँ. बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमारे अंदर आई है. एट दैट टाइम व्हेन माय हस्बैंड क्विट द जॉब दैट टाइम आई आल्सो डिसाइडेड टू क्विट, बट उसके पीछे भी हमारा दोनों का ही डिसीजन था कि आई नीड नॉट टू क्विट दिस जॉब बिकॉज इन दिस जॉब आई एम कनेक्टेड विद द यूथ, आई एम प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द यूथ. न्यू जनरेशन के साथ हम कनेक्टेड हैं एंड गाइडेंस वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड समटाइम्स वी आर लर्निंग ऑल्सो. So this helped in my kids upbringing also. तो अभी मेरा अपने बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड का हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है. When in the evening we sit on the dining table for one or two hours and we discuss for each and every topic. So it is very good. Like we are balancing our family life as well as our. कि मैं स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट हो, तो पहले और अब मैं जो लिखना चाहता हूँ कि हाँ मैं अब बच्चों से कनेक्ट होकर उनको थोड़ा सा जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी नॉलेज है शेयर करना. सो थोड़ा चेंज काफ़ी मेरे इस पर टीचिंग में भी आया है एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने फैमिली और सोसाइटी को भी थोड़ा सा मैं टाइम चलाना बड़ा उतना हो नहीं पाता है जितना है कि मैं वो वी सेल से ही और उसको जीने का प्रयास कर रहा हूँ. उसमें चेंज के लेवल पर मैं यही कहूँगा कि जैसे इस समय मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ तुम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ कल मेरा अदर एंट्री का सेशन है कि सेल को लेकर मतलब वैल्यू एजुकेशन को लेकर, तो वहाँ मैं एक लिस्ट ऑफ स्टोरी ऑफ स्टॉक को शेयर करूँगा एंड 10 मिनट मुझे क्या कंटेंट बोलना है, तो मैं सर से गोपाल सर से डिस्कस करने का.